करके आपके कुछ जो पर्टिकुलरली हेल्थी वाले थे वो सेलेक्ट हुए, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी। हेलो हाय एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग सो वेल। सो सी, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द ओजेनेसिस? लाइक सी, इन अ मेल बॉडी एंड आल्सो इन अ फीमेल बॉडी, व्हेन बोथ अटेन्स अ प्यूबर्टी, देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन। In male is spermatogenesis and in female oogenesis. Okay, oogenesis means the formation of female gamete. Okay, oogenesis means formation of female gamete. And what is female gamete? You can call them as a ova or ovum. Okay, so oogenesis kya hai? Formation of a female gamete, that is known as ova or ovum. देखो, मेल एंड फीमेल में देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन स्पर्मेटोजेनेसिस गोइंग इन अ मेल, इट स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट व्हेन दिस प्रोसेस गोइंग इन अ फीमेल बॉडी, इट वाज स्टार्टेड व्हेन अ फीमेल चाइल्ड वाज इन हर मदर वोम। ओके, ये फीमेल्स में कब स्टार्ट हो जाती है? व्हेन अ गर्ल चाइल्ड वाज इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि हमें ये प्रोसेस टिल द डेथ चलेगा जैसे मेल्स में चलता है। नो, आफ्टर द एजिंग ऑफ 45 to 50 ईयर्स, उसके बाद ये प्रोसेस फीमेल्स में स्टॉप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, सो फीमेल्स में ये स्टार्ट हुई जब बच्ची अपनी मदर के वोम के अंदर थी, एंड कब तक रहती है? जब तक उसका 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज नहीं होता। ओके, सो इट स्टार्ट इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ये यूट्रियस के अंदर ही चला जब बच्ची मदर के वूम के अंदर थी। क्लियर? तो देखो हाउ दिस प्रोसेस इज स्टार्ट। जैसे मेल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था हमने, फीमेल्स के अंदर कौन सा सेल होगा? ओगोनिया। ये क्या है? ओगोनिया। एंड नाउ व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ दिस ओगोनिया? 2n। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर एक्स एंड एक्स। तो तभी फीमेल के क्रोमोसोम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं होता। द मेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर। ओके, बिकॉज द मेल पेरेंट हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज करेगा सो देयर विल बी अ फीमेल चाइल्ड, एंड एक्स वाई का फ्यूजन होगा देयर विल बी अ मेल चाइल्ड। अब इस ओगोनिया के अंदर क्या होगा? माइटोसिस। नाउ दिस ओगोनिया गो अंडर द माइटोसिस। माइटोसिस करेगा ये एंड अपने जैसे और बनाएगा। क्लियर? सो ओगोनिया माइटोसिस करा, माइटोसिस करके आपके कुछ जो पर्टिकुलरली हेल्थी वाले थे वो सेलेक्ट हुए, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ओगोनिया। इसे क्या बोला हमने? प्राइमरी ओगोनिया। अभी ये माइटोसिस में गया था, स्टिल इसकी प्लॉयडी क्या होगी? 2n। क्लियर? अब ये जो प्राइमरी ओगोनिया है, इट गो अंडर द मियोसिस 1। ये सब स्टोरी कब चल रही है? दिस ऑल गोइंग व्हेन अ फीमेल चाइल्ड वाज इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ओके, सो नाउ दिस प्राइमरी ओगोनिया अंडर गो इन मियोसिस 1। ओके, बट ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगी, दिस मियोसिस 1 गॉट अरेस्टेड। कौन से स्टेज पे अरेस्टेड होती है? प्रोफेज स्टेज पे। ओके, सो दिस गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज स्टेज। ओके, सो ये क्या हुआ? ये डिप्लोटीन, प्रोफेज वन की जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वहां ये फॉल्ट पे आ जाता है। इट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। देखो जैसे मियोसिस में डिफरेंट स्टेजेस होती है, आपका एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। सिमिलरली जो आपकी प्रोफेज होती है, अगर प्रोफेज वन के स्टेजेस की मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन, सो आपको एक निमोनिक याद होगा, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। यस,
So L stands for the leptotene, Z stands for the zygotene, yes, P stands for the pachytene, D stands for the diplotene and D another stands for the diakinesis. So देखो diplotene तक ये stages complete होंगी but diakinesis complete नहीं होगा. Clear? तो देखो पहले oogonia थे, oogonia ने mitosis हुआ and oogonia में mitosis होने के बाद primary oogonia select हुआ. प्राइमरी ओगोनिया अंडर किस में गया? मियोसिस वन में. बट मियोसिस वन कंप्लीट नहीं हुआ, इट गॉट अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन. क्लियर? अब ये यहां पर हॉल्ट पे आया है. सो इस अरेस्टेड स्टेज को आप दूसरा क्या बोलोगे? डिक्टेट स्टेज. ओके, सो दिस अरेस्टेड स्टेज Also known as dictate stage. आप इसे दूसरा क्या बोलेंगे? Dictate stage. Important. Okay? So ये आपको याद रखना है. See it. Okay? अब now see next what happened in the intrauterine life. Okay? Intrauterine life में अब आगे क्या होगा? In the intrauterine life. अब ये जो आपका प्राइमरी ओसाइट है, जिसे आप प्राइमरी ओगोनिया भी कह रहे हैं. नाउ दिस प्राइमरी ओसाइट, इसके अंदर अभी मियोसिस पूरा नहीं हुआ है. ओके, दिस प्राइमरी ओसाइट इट गेट्स सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी. ओके, दिस गेट सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी. फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी कैसे? देखो ये सपोज करें आपका प्राइमरी ओसाइट है, अब इस पे फॉलिकुलर सेल्स आएंगे, जैसे हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं ऐसे, ये इसको सराउंड कर लेंगे. अब ये देखो ये प्राइमरी ओसाइट फॉलिकुलर सेल्स के सराउंडिंग में है, तो अब आप इसे क्या बोलेंगे? नाउ इट नोन एज प्राइमरी फॉलिकल. नाउ इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स योर प्राइमरी फॉलिकल. ओके, सो व्हेन अ न्यूबॉर्न child is having a birth, she was having a million numbers of ova. Okay, so when a newborn is born, so ovary have a million number of primordial follicle. Okay, so when a newborn girl born, she is having a number of primordial follicle, million number. Okay, sorry, the million number of primordial follicle. So जो उसका in particularly menopause होगा उस time पे follicles नहीं होता. अब मैंने बोला कि एक stage तक ये process चलता है, उसके बाद ये process stop हो जाता है. Why so? Because see, during the time of menopause, मेनोपॉज के टाइम पे देर इज नो फॉलिकल्स इन ओवरी. अब फॉलिकल्स ही नहीं होता ओवरी में, सो हाउ दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू? क्लियर? सो इंट्रायूट्राइन लाइफ से जब बच्ची का बर्थ हुआ तो शी वॉज हैविंग अ मिलियन नंबर ऑफ फॉलिकल्स, बट जैसे वो प्यूबर्टी पे आएगी देन इट बिकम्स 70,000 to 80,000 बिकॉज द फॉलिकुलर एट्रेशिया इज गोइंग ऑन. ओके, सो आपको अगर ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट कराना है तो हमें देखना पड़ता हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी. ओके, देखो इसको एक बार. नाउ सपोज फीमेल चाइल्ड अटेन अ प्यूबर्टी, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन अ फीमेल चाइल्ड अटेन्स अ प्यूबर्टी, जब एक बच्चे को प्यूबर्टी आया सो उसका हाइपोथैलेमस मैच्योर हुआ. ओके, सो उसके हाइपोथैलेमस में से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जिसे हम बोलते हैं GnRH हॉर्मोन. सो हर हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH हॉर्मोन, इट रिलीजेस GnRH हॉर्मोन. व्हाट इज GnRH? GnRH stands for the gonadotropin releasing hormone. Okay, now this GnRH gives signals to the anterior pituitary. अब ये किसको सिग्नल देगा? It gives signal to the anterior pituitary.
अब जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी होगा, नाउ इट रिलीजेस टू टाइप ऑफ हार्मोन, द वन इज योर LH एंड द सेकेंड इज योर FSH. FSH आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो अब ये क्या करेगा, इट स्टार्ट डेवलपिंग द फॉलिकल्स. ये फॉलिकल्स को डेवलप करना स्टार्ट करेगा, जो आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे उनके डेवलपमेंट को ये स्टार्ट करेगा. एंड देखो उस टाइम पे क्या होगा, जब फॉलिकल्स को ये डेवलप करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे कुछ फॉलिकल्स में एपोप्टोसिस होता है. दे कैन गो अंडर द फॉलिकुलर एट्रेशिया, जिसकी वजह से जो मिलियन नंबर ऑफ फॉलिकल्स थे उनमें से ओनली 70 to 80,000 आर लेफ्ट इन अ फीमेल ओवरी. समझ में आया? सो इट स्टिमुलेटेड द इट स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स फॉर द डेवलपमेंट. ओके, अब इसने डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया, बट इसकी वजह से जो लेटर ऑन जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स होंगी दे गो अंडर द लेटर ऑन रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स जो डोमिनेंट होंगी वो ही सेलेक्ट होंगी. रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स अंडर गो एपोप्टोसिस एंड अट्रेशिया. ओके, जिसकी वजह से ओनली सम फॉलिकल्स आर गोइंग टू बी लेफ्ट. ओके, सो जो लेफ्ट होंगे ओवरी में, सो द फॉलिकल विच लेफ्ट इन ओवरी नाउ इट इज नोन एज डोमिनेंट फॉलिकल. क्या बोलेंगे आप उसे? डोमिनेंट फॉलिकल. यही डोमिनेंट फॉलिकल आगे जाके मियोसिस वन कंप्लीट करेगा. अब नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH? LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिज्यूम ऑफ मियोसिस वन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिज्यूम ऑफ मियोसिस वन. सो द मियोसिस वन विच वॉज इन द हॉल्ट एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज वन. So when LH is releases, so it resume the process of meiosis 1. So जो meiosis 1 होती है आप उसे बोल सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट, क्योंकि हार्मोन रिलीज हो रहा है तभी तो वो क्या हुई है, रिज्यूम हुई है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट वन. तो यहाँ पर जो meiosis 1 है वो कैसी है? इट इज हार्मोन डिपेंडेंट. देखिए आप इसे, ओके. सो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा सडन इंक्रीज इन दी LH हार्मोन. अब LH का हार्मोन इंक्रीज होगा, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन LH हार्मोन जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या आती है, LH सर्ज. बिकॉज ऑफ इट व्हाट हैपेंड, LH सर्ज. ओके, एंड दिस LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल, दिस LH सर्ज एज आई टोल्ड यू इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिजम्पशन ऑफ मियोसिस वन. ये मियोसिस वन के रिज्यूम के लिए नेसेसरी है. अब जो आपका प्राइमरी ओसाइट था जिसने मियोसिस वन स्टार्ट करा था, दिस प्राइमरी ओसाइट जिसने मियोसिस वन स्टार्ट किया था बट वो हॉल्ट पे था, नाउ इट कंप्लीटेड द मियोसिस वन. नाउ मियोसिस वन गॉट कंप्लीटेड. अब ये जो मियोसिस वन है ये अनइक्वल डिवीजन है. इसमें आपका एक बनेगा पोलर बॉडी, एक बनेगी आपकी पोलर बॉडी और दूसरा बनेगा आपका सेकेंडरी ओसाइट. अब आप देखेंगे पोलर बॉडी और ओसाइट के साइज में डिफरेंस है. यस, ये सेकेंडरी ओसाइट है, पोलर बॉडी. तो ये अनइक्वल डिवीजन क्यों है? क्योंकि जो भी आपकी आगे जाके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी उसके लिए मदर का साइटोप्लाज्म रिक्वायर्ड है, बिकॉज फादर के स्पर्म में साइटोप्लाज्म मिनिमम होता है. क्लियर? और ये एक डिवीजन क्या हुआ, क्यों हुआ? सो दैट जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसकी प्लॉयडी चेंज हो सके. अब ये क्या हो गया, दिस इज एन एंड एन. नाउ दिस सेकेंडरी ओसाइट कैन गो अंडर द मियोसिस टू. अब ये किसमें जाएगा, मियोसिस टू पे. अगेन ये किस पे आ जाएगा, हॉल्ट पे. ये दोबारा से हॉल्ट पे आ जाता है एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज टू. क्यों? अगर फर्टिलाइजेशन होगा सो मियोसिस टू कंप्लीट होगा. अगर मियोसिस टू कंप्लीट कराना है तो फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी.
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगा. सो इन मेंस्ट्रुएशन फीमेल रिलीज सेकेंडरी ओसाइट नॉट एन ओवम. क्लियर? अब देखो मियोसिस वन कंप्लीट हुआ है तो इससे पहले जो LH की सर्ज आती है वो कितने टाइम पहले आती है? 36 आवर्स. देयर इज अ LH सर्ज बिफोर द ओव्यूलेशन. ओके, ओव्यूलेशन पता है ना, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जिसमें से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है आपका. क्लियर? सो ये LH सर्ज कब आती है? 36 आवर्स पहले आएगा. अब मियोसिस वन कंप्लीट होते ही सेकेंडरी ओसाइट बना, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस टू में जाएगा. मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होती, वो भी हॉल्ट पे होती है, मेटाफेज टू पे. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, सपोज इसमें यहां पर स्पर्म का एंट्री हुआ एंड ये स्पर्म का एंट्री इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? सेकेंडरी ओसाइट के साथ. सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस टू कंप्लीट होगा एंड बनेगा आपका एक ओवम एंड सेकेंड बनेगा आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी. क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन होगा देन मियोसिस टू गोइंग टू बी कंप्लीटेड. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, मियोसिस टू स्टिल एट द हॉल्ट. ओके, इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंड, मियोसिस टू गोइंग टू बी कंप्लीटेड विच रिजल्ट अ ओवम एंड अ सेकेंडरी पोलर बॉडी. क्लियर? सो ये आपका इस तरह से होता है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. सो राइट some important point regarding the oogenesis. So first polar body it released at the time of ovulation. Clear? Next, the second polar body kab release hua? Jab fertilization hua, obviously. Second polar body released at the time of fertilization. Clear? ये याद रखना, minimum maximum number of follicles females में कब देखे जाते हैं? जब बच्ची का intrauterine life में कौन सा phase चल रहा हो? 20th week. Okay? So maximum number of follicles in girl child can be seen at 20th week of intrauterine life. Clear? अब उसके पास क्या होता है, जब उसका बर्थ होता है, then she is having a million number of follicle. बर्थ के टाइम पे she is having a 6 to 7 million number of follicles. Okay? Every month क्या होता है, 500 follicles mature होती है. Okay? नहीं, oh sorry. लाइक इन देयर एंटायर लाइफ ओनली 500 फॉलिकल्स गॉट मैच्योर, जिनके अंदर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू कंप्लीट होता है. सो आप देखो, मिलियन नंबर में से सिर्फ 500 फॉलिकल्स उसकी एंटायर लाइफ में मैच्योर होंगी. सो रेस्ट कहाँ गई? रेस्ट गई आपके फॉलिकुलर एट्रेशिया में और एपोप्टोसिस में. ओके, सो 500 फॉलिकल्स विल मैच्योर इन द एंटायर लाइफ ऑफ फीमेल. ये आप लिख लेना, 500 फॉलिकल्स will mature entire in the female life. Clear? ये कुछ important point है आपके. आपको पता होना चाहिए size of ova क्या होता है. So size of ova is 120 micron. Clear? So these are some important points related to the oogenesis. बस थोड़ा याद रखना, ओजेनेसिस इज व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट. व्हेन इट वाज स्टार्टेड व्हेन अ फीमेल चाइल्ड वाज इन हर इंट्रायूट्रिन लाइफ. ड्यूरिंग दैट फेज शी वाज हैविंग अ मिलियन नंबर ऑफ फॉलिकल्स, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट रिमेन्स ओनली 50 to 70,000. एंड नाउ वेयर ऑल द ओवास एंड प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आर गोइंग बिकॉज दे अंडरगो इन प्राइम एपोप्टोसिस और फॉलिक्यूलर एट्रेशिया. क्लियर? और जो रेस्ट होते हैं, लाइक 500 फॉलिकल्स उसकी एंटायर लाइफ में मैच्योर होता है. बाकी का क्या होता है, एवरी मंथ कुछ सेलेक्ट होती है मैच्योरेशन के टाइम पे, उनमें से आधी क्या होती है, फॉलिकुलर एट्रेशिया की वजह से उनमें सेल्फ फाइट होके वो डीजनरेट कर जाते हैं. जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है उसके अंदर मियोसिस वन रिज्यूम होता है एंड देन इट कैन गो अंडर द मियोसिस टू.
ओके सो दैट्स ऑल इन द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस. थैंक यू सो मच.